देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोग, उन्होंने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आजादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाजत है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है ये विधानसभा में को भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरफ कूद रहा था, अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? ये भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? कोई माइक लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे।